हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। हम लोग रैन फोर सीमेंट कंक्रीट पढ़ रहे हैं। आज लेक्चर 4 है। लेक्चर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से यही बोलना चाहूंगा, जो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके देख लीजिए। और मैं रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ देखने के लिए, क्योंकि आपको आगे का लेक्चर अभी जो अभी पढ़ाऊंगा वो समझ में आने वाला नहीं है, जब तक आप प्रीवियस लेक्चर को पढ़ के अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ्लेंज्ड बीम के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। फ्लेंज्ड बीम मतलब क्या होता है? टी बीम, एल बीम को फ्लेंज्ड बीम बोला जाता है। टी बीम, एल बीम क्या होता है, अभी आगे डायग्राम से समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी इतना समझ गए आप कि फ्लेंज्ड बीम किसको बोलते हैं? टी बीम, एल बीम को फ्लेंज्ड बीम बोलते हैं। एंड देखो, अब यहाँ पर से ये जो डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ये टी बीम दिख रहा होगा। ठीक है, ये टी बीम में क्या दिख रहा है आपको? फ्लेंज दिख रहा है उसका, ये वेव दिख रहा है, ये आप लोग पहले से जानते होंगे मेरे ख्याल से। तो फ्लेंज सेक्शन हो गया उसका, और ये जो वर्टिकल वाला है वो वेव सेक्शन हो गया। दोनों एक दूसरे से किससे कनेक्टेड रहते हैं? सियर कनेक्टर से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, जुड़े हुए रहते हैं। तो वही जो लिखा है, अब कोई जरूरी नहीं है वेल्डिंग से भी कनेक्टेड रहते हैं, बहुत सारे कनेक्शन होते हैं। तो कनेक्शन को हम लोग दूसरा सब्जेक्ट है स्टील करके, उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टील इंजीनियरिंग में। अभी बस इतना समझ लो कि सेल बी इंटीग्रली विथ द वेव बॉन्डेड टुगेदर विद द सियर कनेक्टर। सियर कनेक्टर के थ्रू आपका बॉन्ड रहता है, बोल रहे हैं। एंड ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन 60% ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट। देखो, मेन रेनफोर्समेंट होता है जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बोलते हैं, और एक होता है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जिसको हम लोग लेटरल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतना तो समझते हो ना? मेन जैसे बीम है, बीम में जो बड़ा वाला छड़ दिखता है वो आपका मेन रेनफोर्समेंट है, जो आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है। और उसके जस्ट अक्रॉस में क्या होता है, उसके 90 डिग्री में आपका टाई बीम भी जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो दूसरा जो बीम होता है वो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट होता है। उसी के बारे में बोल रहा है कि ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जो होता है वो 60% होता है, किसके कंपेयर में? मेन रेनफोर्समेंट के कंपेयर में। मतलब मेन रेनफोर्समेंट जितना भी प्रोवाइड किए हैं उसका 60% हम लोग ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर से ये आपको पॉइंट पता चला। ठीक है, आ गया समझ में? फ्लेंज बीम की बात हो रही है, अगला पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन द फ्लेंज। जब आपका न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में लाई करता है तो हम लोग उसको रेक्टेंगुलर बीम ही मान सकते हैं। और जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग रेक्टेंगुलर बीम के लिए WSM डिस्कस किए, वर्किंग स्ट्रेस मेथड कैसे होता था, वैसी सेम आप टी बीम के लिए भी होगा। फिर से बोल देता हूँ, नीचे आप देखो, ये आपका टी बीम है। टी बीम में अगर आपका न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज से जा रहा है, ये देखो ग्रीन में मैं बना दिया फ्लेंज से डॉटेड लाइन, तो फ्लेंज में डॉटेड लाइन ये जो है आपका न्यूट्रल एक्सिस, अगर आपका फ्लेंज से होके जा रहा है तो हम लोग इस टी बीम को रेक्टेंगुलर बीम मान सकते हैं। और पूरा जो कैलकुलेशन होगा वो एज इट इज किसके जैसा होगा? रेक्टेंगुलर बीम के जैसा ही होगा, जैसे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। लेकिन मान लो ये जो न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लेंज से ना जाके अब वेब से कहीं पर से जा रहा है, तो उस केस में आप लोग उसको नहीं मान सकते कि वो आपका रेक्टेंगुलर बीम होगा। उसके लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? तो वही आपको लास्ट पॉइंट पे वही चीज लिखा था कि न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन द फ्लेंज। फ्लेंज मतलब आपका डी एफ, जो डेप्थ ऑफ दी फ्लेंज है। यहाँ पर से टी बीम को देखो, फिर से डायग्राम को देखो। टी बीम में जो कैपिटल डी है वो ओवरऑल डेप्थ होगा। ठीक है, और जो बी होगा वो आपका विड्थ ऑफ द फ्लेंज होगा। ठीक है, बी डब्ल्यू जो नीचे में बी डब्ल्यू दिख रहा है वो क्या होगा? विड्थ ऑफ वेव होगा, वेव। और जो ये स्मॉल डी है वो क्या होता है? इफेक्टिव डेप्थ होता है। डी एफ जो दिख रहा है, डी एफ वो क्या हो जाएगा आपका? डेप्थ ऑफ फ्लेंज हो जाएगा, डेप्थ ऑफ फ्लेंज ना। और ये जो बी एफ दिख रहा है वो इफेक्टिव विड्थ है। और इफेक्टिव विड्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी मैं बताऊंगा। इफेक्टिव विड्थ क्या दिख रहा है डायग्राम में, आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, मतलब कवर को छोड़ दो तो फिर जो आउटर टू आउटर जो डिस्टेंस रहेगा ना आपका छड़ का, वही आपका क्या होता है? इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज होता है। ठीक है, आगे इतना समझ में? अब देखो यहाँ पर से राइट वाला डायग्राम देखना। राइट में आपको प्लान दिखाया हुआ हूँ। इस प्लान में ये बीम है, ठीक है ना, दो थोक रूम है मान लो। ठीक है, ये आपका बीम है ऊपर का। ठीक है, और यहाँ पर से जो शेडेड मैं किया हूँ, एक टी बीम दिख रहा होगा आपको, और राइट में छोटा सा कॉर्नर में एल बीम दिख रहा होगा। तो टी बीम, एल बीम समझ में आ गया, बीम ही है बेसिकली। क्रॉस सेक्शन में आपका मिलेगा, आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो वो टी बीम है। ठीक है, कॉर्नर वाला आपका एल बीम रहता है। ठीक है ना, आ गया समझ में? ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आपको यहाँ पर से इफेक्टिव विड्थ निकालना सीखना है। इफेक्टिव विड्थ किसके लिए? टी बीम के लिए और एल बीम के लिए। इफेक्टिव विड्थ को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? बी एफ, स्मॉल बी एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक तरीका है
इफेक्टिव विड्थ निकालने का राइट वाला प्लान को देखना आप। इसमें L1 मान लेते हैं, लेंथ है आपका, इनर टू इनर लेंथ है आपका एक रूम का, और दूसरे का कितना है आपका, दूसरे का इनर टू इनर लेंथ जो है वो L2 है, ठीक है। तो L1 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा और इधर L2 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा, और प्लस जो ये जो आपका विड्थ है मतलब BW को जोड़ दूंगा। तो आपको विड्थ ऑफ दी फ्लेंज नहीं मिल जाएगा, विड्थ ऑफ दी फ्लेंज देखो ना डायग्राम में क्या होता है। तो विड्थ ऑफ दी फ्लेंज निकालना है तो एक रूम का आधा डिस्टेंस दूसरे रूम का आधा डिस्टेंस प्लस जो आपका वेव का विड्थ है उसको जोड़ दूंगा तो नहीं निकल जाएगा। तो एक तरीका आपको देखो नीचे में यही लिखा हूं मैं, L1 बाई 2 प्लस L2 बाई 2 प्लस BW। तो यहाँ से आपका इफेक्टिव क्या निकल जाएगा, विड्थ निकल जाएगा। टी बीम के लिए एक और तरीका होता है इफेक्टिव विड्थ निकालने का, उसको अब डायरेक्टली आप लोग याद रखना। देखो यहाँ पर से क्या है कि एक जो उसका साइड होता है टी बीम का, फ्लेंज का एक साइड लेफ्ट वाला या राइट वाला दोनों बराबर होता है L0 बाई 12, L0 बाई 12 प्लस 3 इंटू DF। अब ये कहाँ से आया उसको छोड़ो, आपको डायरेक्ट याद रखना है L0 बाई 12 प्लस 3 इंटू DF। एक साइड का लेंथ है तो दूसरे साइड का लेंथ भी उतना ही सेम होगा, तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना बनेगा आपका, L0 बाई 6 प्लस 6 इंटू DF हो जाएगा क्या, ये दोनों को जब जोड़ोगे आप तो, या फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, एक ही मतलब है। और बच क्या गया आपका, विड्थ बच गया, तो विड्थ को जोड़ दोगे BW को मतलब जोड़ दोगे, तो आपको फिर से क्या निकल के आ जाएगा, इफेक्टिव विड्थ नहीं निकल के आ जाएगा। तो ये जो सेकेंड वाला बताया हुआ हूँ वो वही चीज है, L0 बाई 6 प्लस 6 इंटू डेप्थ ऑफ द फ्लेंज और प्लस क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ दी वेव करूंगा। तो इस तरीके से भी हम लोग इफेक्टिव विड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये दोनों तरीकों से जो इफेक्टिव विड्थ कैलकुलेट किए, इनमें से जो लेस वैल्यू होगा, याद रखना इनमें से जो लेस वैल्यू होगा उसी को आपको इफेक्टिव विड्थ लेना है, ठीक है। ये आपको एग्जाम में पूछता है, इफेक्टिव विड्थ पूछ सकता है, ठीक है, डायरेक्टली, या फिर आपको कई बार पूछता है कि इस फॉर्मूला में L0 क्या है। तो L0 के लिए फिर से डायग्राम देखो, L0 आपका डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट ऑन द बीम है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट ऑन द बीम है। इसको डायरेक्टली ऐसे ही आपको समझना है, जीरो मूवमेंट के बीच का जो डिस्टेंस है, जीरो मूवमेंट मतलब वो सेक्शन जहां पर आपका मूवमेंट जीरो निकल के आ रहा है। वैसे तो L0 जो होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हम लोग L इफेक्टिव के बराबर लेते हैं। अब ये L इफेक्टिव भी आपको नहीं पता होगा, L इफेक्टिव का एक टेबल होता है उससे वहां समझेंगे, और उसको निकालने का तरीका भी होता है, यूलर्स फॉर्मूला से निकालते हैं उसको, हम लोग स्टील में ही समझेंगे या फिर RCC में भी बताऊंगा आगे, ठीक है। आप लोग बस इतना समझ लेना कि L इफेक्टिव के बराबर सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में होगा, आगे मैं लिखा हूँ चिंता मत करना, अभी मैं बस समझा रहा हूँ। और ये L0 की वैल्यू कंटिन्यूअस और फिक्स्ड बीम के केस में कितना हो जाता है, 0.7 इंटू L इफेक्टिव के बराबर हो जाता है, ठीक है। अभी बस आपको याद ये रखना है कि L0 क्या होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट ऑफ दी बीम होता है, ठीक है। ये दोनों तरीका था, इससे हम लोग इफेक्टिव विड्थ निकालना सीख लिए, ये टी बीम के लिए था। वैसे ही एल बीम के लिए जब बोलोगे तो एकदम आसान, यहां पर जैसे कि थोड़ा सा मैं यहां पर मिटाल रहा हूँ इन सबको, अगर मैं मिटाल दूँ उसके बाद फिर मैं इसी टी बीम से ही एल बीम निकालने के लिए बोलूंगा, तो आप क्या कर सकते हो, L2 बाई 2 को काट दो ना, तो L1 बाई 2 या फिर आप L2 बाई 2 बस लिख सकते हैं, दोनों में से जो मतलब है। तो L1 बाई 2 प्लस BW बस करोगे तो L सेक्शन के लिए इफेक्टिव विड्थ निकल जाएगा। वैसे ऊपर वाले में क्या था आपका, सिर्फ एक साइड लेना है आपको, तो L0 बाई 12 प्लस 3 इंटू DF प्लस में क्या हो जाएगा, BW, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, L सेक्शन के लिए इफेक्टिव विड्थ निकल के आ जाएगा। अब देख लो वही चीज लिखा हुआ हूं मैं, L बीम के लिए जब इफेक्टिव विड्थ कैलकुलेट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, L0 बाई 12, ऊपर में क्या था L0 बाई 6 था, ये L0 बाई 12 हो गया, प्लस 3 इंटू डेप्थ ऑफ द फ्लेंज, ऊपर में 6 इंटू डेप्थ ऑफ द फ्लेंज था, और प्लस BW। सेकेंड वाला तरीका क्या हो गया, L1 बाई 2 प्लस BW कर सकते हो, दोनों में से जो लेस वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव विड्थ ऑफ दी फ्लेंज निकल के आ जाएगा एल बीम के केस में, ठीक है। यहाँ पर फिर से वही L0 लिखा हूँ, L0 क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट इन द बीम, एंड L0 की वैल्यू जो होती है टी बीम या फिर एल बीम के लिए सिंपली सपोर्टेड के केस में आपका L इफेक्टिव के बराबर होता है, और फिक्स्ड और कंटिन्यूअस बीम के केस में आपका एल बीम टी बीम का जो सॉरी एल बीम टी बीम के लिए फिक्स्ड बीम कंटिन्यूअस मतलब सपोर्ट के केस में, कंटिन्यूअस बीम के केस में सॉरी, जो L0 का वैल्यू होता है वो 0.7 L इफेक्टिव होता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है, डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। L0 क्या होता है, L0 की वैल्यू सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में कितनी होती है, कंटिन्यूअस या फिर फिक्स्ड बीम के केस में कितनी होती है। अब एक आता है आपके पास आइसोलेटेड एल बीम या फिर टी बीम, ठीक है, आइसोलेटेड एल बीम या फिर टी
बीम। अब ये क्या होता है, आइसोलेटेड बीम का मतलब ये होता है कि उसका फ्लेंज फिक्स रहता है, उसका फ्लेंज का जो विड्थ रहता है वो फिक्स रहता है। फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा एल बीम या फिर टी बीम जिसका फ्लेंज का विड्थ फिक्स हो, ठीक है, फिक्स्ड विड्थ ऑफ फ्लेंज, तो उसको हम लोग आइसोलेटेड एल या फिर टी बीम बोलते हैं। इस केस में भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछेगा, तो फॉर्मूला आपको इफेक्टिव विड्थ का डायरेक्ट याद रखना है। इफेक्टिव विड्थ का फॉर्मूला टी बीम के केस में, टी बीम मतलब आइसोलेटेड टी बीम के केस में आपका एल जीरो डिवाइडेड बाई एल जीरो बाई बी प्लस 4 प्लस BW होता है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, एल जीरो डिवाइडेड बाई एल जीरो बाई बी प्लस 4 प्लस BW होता है। मैं एक बार नहीं हजार बार बोलता हूँ, यहीं का यहीं याद करो, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज याद करने का मिलेगा, एलएसएम में और ज्यादा याद करने का मिलेगा चीज, ठीक है। तो डायरेक्टली यहीं का यहीं याद करो, और जब रिविजन करोगे तो एकदम आसान जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से बी क्या है, आपका टोटल विड्थ ऑफ दी फ्लेंज है, वो तो आपको पता है। यहाँ पर जो बी है ना, वो टोटल विड्थ ऑफ दी फ्लेंज है, ऊपर में डायग्राम में मैं बताया हूँ। एल जीरो आपको पता है और बी डब्ल्यू भी आपको पता है, विड्थ ऑफ दी वेव। एल जीरो क्या है, तो विड्थ ऑफ दी लेंथ ऑफ दी, मतलब जीरो मूवमेंट के बीच का डिस्टेंस है ना, उसको क्या बोलते थे अपन, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट इन द बीम। उसके बाद फिर एल बीम के बारे में बात करेंगे, तो आइसोलेटेड एल बीम के केस में सेम फॉर्मूला रहता है, बस इस का जो ऊपर का टी बीम के लिए फॉर्मूला था उसका हाफ ले लेना है, मतलब कुल मिला के 0.5 L0 हो जाएगा, 0.5 L0 डिवाइडेड बाई L0 बाई बी प्लस 4 प्लस में क्या हो जाएगा, BW हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एनालिसिस करते हैं, ठीक है, फ्लेंज बीम के लिए एनालिसिस करते हैं। जैसे हम लोग रेक्टेंगुलर बीम के लिए एनालिसिस किए थे, ये आपका ऐसा बीम होता था, ठीक है। उसके बाद फिर ऊपर कंप्रेशन सेक्शन, नीचे में टेंशन सेक्शन, नीचे में आप स्टील प्रोवाइड करते थे, ऊपर में कंक्रीट प्रोवाइड करते थे, वैसे ही आपका टी बीम का एनालिसिस करना है। अगर आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड रेक्टेंगुलर बीम के लिए समझ में आ गया है, तो ये सिर्फ 2 मिनट भी नहीं लगेगा अभी खत्म होने में, ठीक है। और मैं एकदम फास्ट ही रिविजन कराऊंगा, आपका रिविजन ही होगा, ठीक है। तो केस वन में क्या बोल रहा है, वेन न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन द विड्थ ऑफ द फ्लेंज, अगर आपका न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में है, ठीक है, फ्लेंज में लाई कर रहा है, तो उस केस में हम लोग उसको रेक्टेंगुलर बीम की तरह मान सकते हैं। मैं बोला था ना ऊपर भी, तो वही चीज है, केस वन में वही चीज है कि न्यूट्रल एक्सिस आपका कहाँ पर है, फ्लेंज में है। तो इस केस में डायग्राम ऐसा कुछ बन जाएगा, ये आपका टी बीम है, ये देखो न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से फ्लेंज से क्रॉस होके जा रहा है, बस यहाँ पर थोड़ा जूम करूंगा तो डायग्राम आपका, यहाँ पर कंप्रेशन जोन थोड़ा छोटा बन रहा है, लेकिन बन वैसे ही रहा है जैसे रेक्टेंगुलर सेक्शन में बन रहा था, कोई अंतर नहीं है आपका, ठीक है। या मतलब ये है कि न्यूट्रल एक्सिस में आपका जीरो स्ट्रेस बनेगा, स्ट्रेस डायग्राम है ये, स्ट्रेन डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ती है WSM में। और ऊपर में आपका CA लिखे हैं, CA क्या होता है, सिग्मा CBC से कोई भी छोटा वैल्यू, और यहाँ पर TA बाई M लिखे हैं, M से डिवाइड क्यों करते थे, क्योंकि उसको अपने को कॉन्क्रीट के टर्म में चेंज करना पड़ता था, ठीक है। और ये आपका सी जो है, एक रिजल्टेंट लोड आ गया है, या फिर रिजल्टेंट कंप्रेसिव स्ट्रेस आ गया है, क्योंकि आपका ऊपर में ट्राइंगुलर सेक्शन है, तो उस ट्राइंगुलर एरिया में जो भी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट है उसके बदले में मैं एक स्ट्रेस चाहूंगा, ठीक है, एक रिजल्टेंट स्ट्रेस सी आ गया। नीचे में आपको जरूरत नहीं पड़ता था, क्योंकि आपका नीचे में सिर्फ जो स्टील है वो नीचे में है, ठीक है ना, AST नीचे में, और इसका जो रिजल्टेंट स्ट्रेस होगा उसी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी जाएगा, ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है। और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को, मतलब ऊपर वाला जो कंप्रेसिव फोर्स है, नीचे वाला टेंसाइल फोर्स, के बीच के डिस्टेंस को लीवर आर्म बोलते हैं, जो कि D-X/3 होता है। डायग्राम को मैं थोड़ा डिटेल में बता दिया, उसके बाद अभी देखो, यहाँ पर से मैं 200 के स्पीड से बढ़ूंगा आगे। अपने को XC कैलकुलेट करना था, XC को हम लोग क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बोलते थे, न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल डेप्थ मतलब वो होता था जिसमें आपका कंक्रीट और स्टील दोनों साइमल्टेनियसली फेल होता था। तो आपका रिजल्ट क्या आता था, कैसे निकालते थे हम लोग, इसी जो स्ट्रेस डायग्राम है उसमें आप क्या लेंगे, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, XC की वैल्यू MC डिवाइडेड बाय T+MC आएगा, ये आपका K होता था, K क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर होता है। तो इस प्रकार से आपका XC क्या निकल जाएगा, K×D निकल जाएगा। उसके बाद फिर XA कैलकुलेट करना होता है, XA कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, मूवमेंट ऑफ एरिया कंप्रेशन जोन और मूवमेंट ऑफ एरिया टेंशन जोन में कैलकुलेट करते थे। मूवमेंट ऑफ एरिया जब टेंशन जोन में कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, टेंशन का पहले M×AST×D-X आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, देखो ऊपर मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर जब आप कंप्रेशन जोन में, कंप्रेशन जोन का पहले देख लेते हैं, तो कंप्रेशन जोन का एरिया कितना हो जाएगा, BF क्या हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा उसका, और DF क्या हो जाएगा, डेप्थ हो जाएगा, ठीक है, यही होगा ना, गलत 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 गलत, थोड़ा सुधार लेते हैं। डेप्थ आपका DF क्या होगा, डेप्थ आप सोच के बताओ क्या होगा, XA होगा ना, XA न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ ही तो होगा, कहाँ से आप DF लिख रहे हैं, तो BF×DF ये आपका क्या हो गया, एरिया हो गया। फिर एरिया को किसे मल्टीप्लाई करते थे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके न्यूट्रल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, वो कितना होगा बताओ आप मेरे को, XA/2 नहीं हो जाएगा यार, सेम सेम है जो जैसे रेक्टेंगुलर सेक्शन था वैसे ही एकदम से, तो वहां भी सेम वैल्यू आता था, वहां पर BF की जगह में बस B होता था, तो BXA² / 2 वहां पर होता था, यहाँ पर BFXA² / 2 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना।
ठीक है, ये हो गया आपका कंप्रेशन जोन का मूवमेंट ऑफ एरिया। वैसे ही आप टेंशन जोन का मूवमेंट ऑफ एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बता दो, टेंशन जोन में एरिया कितना है, एम इंटू एस टी लेते थे ना, एस टी मत लेना, एम इंटू एस टी लोगे और उसके बाद फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू न्यूट्रल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, मतलब कितना हो जाएगा, डी माइनस एक्स से हो जाएगा क्या? तो बस वहीं पर ये लिखा है ना, ठीक है, बता दिया एक बार मैं फिर भी, ठीक है, रिवर्सन हो जाएगा। तो बी एक्स ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम इंटू एच डी डी माइनस एक्स ए, तो यहाँ पर से आपका एक्स ए निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप एक्स ए निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर स्टेप थ्री में क्या करते हैं, एक्स ए पता चल गया, एक्स ही पता चल गया तो दोनों का कंपेरिजन करते हैं। फिर एक्स ए इक्वल टू एक्स ही होता तो बैलेंस सेक्शन, एक्स ए जब लेस होता तो अंडर एनफोर्स और जब ज्यादा होता था एक्स ए की वैल्यू एक्स ए से तो ओवर एनफोर्स सेक्शन होता था। और तीनों सेक्शन क्या होता है हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करेंगे। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक बार कंप्रेशन जोन में कैलकुलेट करोगे, टेंशन जोन में कैलकुलेट करोगे, वो किस पे डिपेंड करेगा कि हमारा सेक्शन कौन सा है। अगर हमारा सेक्शन अंडर एनफोर्स सेक्शन होता था तो हम लोग किस में कैलकुलेट करते थे, टेंशन जोन में कैलकुलेट करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि वहां पर वो आपका स्टील परमिसिबल लिमिट में पहुंच जाता था, मतलब टीए की जगह में हम लोग सिग्मा एस टी लिखते थे, ठीक है। और वैसे ही हम लोग बैलेंस सेक्शन में किसी भी सेक्शन में कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली फेल होता था। और एक और सेक्शन होता था ओवर एनफोर्स सेक्शन, उसके लिए हमेशा हम लोग कंप्रेशन जोन में कैलकुलेट करते थे, टेंशन जोन में नहीं करते थे, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बता दूं क्या एक बार, देखो एकदम ध्यान से, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अपने कैलकुलेट करना है तो कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर हम करते थे, कंप्रेसिव फोर्स की जगह में हम लोग क्या लिखते थे, एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया। तो एवरेज स्ट्रेस सी ए बाई टू लिख दूंगा क्या मैं, जीरो प्लस सी ए बाई टू। सी ए में अभी मैं यूनिवर्सल बता रहा हूँ, अभी मैं एज्यूम नहीं कर रहा हूँ कि मेरा सेक्शन अंडर एंड फोर्स है कि ओवर एंड फोर्स, बैलेंस सेक्शन वो आप लोग बस इसी फॉर्मूला में बस मॉडिफाइड कर दोगे। अगर ये यही आपका ओवर एंड फोर्स, ओवर एंड फोर्स सेक्शन होता, सी ए की जगह मैं क्या लिख देता, सिग्मा सी बी सी लिख देता, वो सब जान रहे हो ना, प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ मैं। तो अभी क्या लिखोगे, सिर्फ सी ए बाई टू लिखोगे और इंटू में क्या करोगे, ये आपका एवरेज स्ट्रेस हो गया और इंटू में एरिया, तो बी एफ इंटू एक्स से एरिया नहीं हो जाएगा, कंप्रेशन जोन का एरिया तो विड्थ हो जाएगा बी इंटू एफ, और डेप्थ कितना हो जाएगा एक्स से हो जाएगा, तो एरिया हो गया। उसके बाद फिर लीवर आर्म कितना हो जाएगा, डी माइनस एक्स बाई थ्री हो जाएगा ना भाई। यहाँ पर देखो लीवर आर्म बताया था मैं, ठीक है, जो भी आपका कंप्रेसिव फोर्स था वो कितने हाइट पे था, यहाँ पर से टॉप फाइबर से एक्स से बाई थ्री में था ना, क्यों था एक्स से बाई थ्री में, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्रेंगल का एक्स से बाई थ्री, तो डी माइनस एक्स से बाई थ्री हो जाएगा। टेंसाइल फोर्स के लिए जब हम लोग करेंगे तो टी ए बाई एम एवरेज स्ट्रेस आ जाएगा और एरिया कितना हो जाएगा, एम इंटू एस टी और डी माइनस एक्स से बाई थ्री, कोई डिफरेंस नहीं है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम लोग केस टू में आते हैं। केस टू में जब हम लोग का न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन वेव पोर्शन, थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है, तो वेव पोर्शन, वेव पोर्शन में रहेगा मतलब डी एफ का वैल्यू क्या रहेगा, ज्यादा सॉरी कम रहेगा एक्से से, ठीक है ना, मतलब एक्से का वैल्यू यहाँ पर देखो एक्से का वैल्यू ज्यादा है, डी एफ का वैल्यू तो जितना है उतना ही रहेगा, तो ऐसा भी बोल सकते हैं या फिर आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस आपका वेव पोर्शन में, देखो ना यहाँ पर वेव पोर्शन में लाई कर रहा है, मतलब जीरो स्ट्रेस आपका कहाँ पर मिल रहा है, वेव पोर्शन में मिल रहा है, ठीक है। ऊपर जाते गए आपका स्ट्रेस बढ़ते गया, कितना बढ़ गया, सीए तक बढ़ गया। अब यहाँ पर दिक्कत क्या जाता है कि ये जो अभी है ना, ये अपन केस टू जो पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि जो फ्लेंज सेक्शन है तो फ्लेंज सेक्शन के लिए जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अलग होगा, और इसको पूरा मैं कंप्रेशन जोन में जो स्ट्रेस डायग्राम है वो लीनियर बना दिया हूँ ऐसा करके एकदम बढ़िया से, लेकिन वो एक्चुअली में लीनियर बने कोई जरूरी है क्या, वो ऐसा भी बन सकता है, ऐसा करके आया और पता चला कि आपका ऐसा हो गया, मतलब समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पर से एकदम लीनियर ना हो के आपका थोड़ा सा डाइवर्ट भी हो सकता है। इसको और अच्छे से बना दूँ क्या, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ तक आपका ऐसा गया मान लो, ठीक है, फ्लेंज तक, और उसके बाद थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, लीनियर हो ये जरूरी नहीं है, मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं जो बनाया हूँ उस हिसाब से वो एकदम बढ़िया से लीनियर दिख रहा होगा, तो आप क्या करोगे, ट्रायंगुलर सेक्शन मान लोगे और उसके जगह में रिजल्टेंट फोर्स पुट कर दोगे, और रिजल्टेंट फोर्स पुट कर दिया, पता चला कि एक्स ए बाई थ्री आपके लिए वो आ गया, तो यहाँ पर से फिर आपके हिसाब से फिर लीवर आर्म डी माइनस एक्स ए बाई थ्री, ऐसा नहीं कर सकते ये वाले सेक्शन में, ऊपर में किए थे ना वैसा नहीं कर सकते इसमें। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लेंज सेक्शन का जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ दूसरा होगा। तो मैं क्या किया हूँ, तो जो फ्लेंज सेक्शन का स्ट्रेस, देखो ना यहाँ पर डॉटेड लाइन खींचा हूँ मैं, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या किया कि जो रिजल्टेंट स्ट्रेस आया फ्लेंज के लिए उसको मैं सी वन लिख दिया हूँ। वैसे ही जो वेव पोर्शन का जो कंप्रेशन जोन है, ये वेव सेक्शन का वेव पोर्शन का जो कंप्रेशन जोन है उसके लिए मैं एवरेज स्ट्रेस को सी टू लिख दिया हूँ, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया क्या, सी वन और सी टू, मेरे को अभी पता नहीं सी वन सी टू क्या है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा, रुक जाओ, कैसे करेंगे। और एक जो है टोटल एरिया, मतलब ये जो टोटल फ्लेंज प्लस वेव वाला जो एरिया निकल के आ रहा है ना, उसके लिए मैं एक और रिजल्टेंट स्ट्रेस में सी लिख दिया हूँ,
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। सी वन क्या है समझ में आ गया, वो फ्लेंज के लिए रिजल्टेंट स्ट्रेस है, और सी टू क्या है वेब के लिए, और जो ब्लैक कलर में जो सी लिखा हूं मैं कैपिटल सी, वो किसके लिए है आपका, पूरे कंप्रेशन सेक्शन के लिए रिजल्टेंट स्ट्रेस है। अब यहाँ पर मैं दिख रहा होगा आपको ये वाई वन बार, वाई टू बार और वाई बार। तो ये जो वाई वन बार है वो क्या है आपका, जो सी वन है उसका टॉप सेक्शन से डिस्टेंस है, और जो सी टू का डिस्टेंस है टॉप से वो वाई टू बार है, और जो सी है मतलब जो ओवरऑल जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है उसका वाई बार है। अब ये वाई वन वाई टू बार वाई बार कैसे निकलेगा, इसको आप लोग देखते हैं यहाँ पर से। देखो तो मैं क्या किया हूँ, जो फ्लेंज वाला जो डायग्राम था उसको मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, देखो यहाँ पर है ना। तो नीचे में वाला स्ट्रेस को मैं सी डेस, अच्छा यहाँ पर ये बताना भूल गया हूँ कि नीचे वाला जो स्ट्रेस है उसको मैं सी डेस लिख दिया हूँ, ऊपर वाला स्ट्रेस को मैं सी ए लिखा हूँ। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं फिर से आता हूँ, अब यहाँ पर वही किया हूँ, ये जो डायग्राम आपको बताया गया है तो सी डेस नीचे वाला है, ऊपर वाला सी ए है, और एक रिजल्टेंट जो मैं स्ट्रेस लगा दिया वहां पर वो सी वन का लगा दिया हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर मैं क्या किया कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरे को पता करना है, मतलब वाई वन बार का वैल्यू पता करना है, ठीक है ना। वाई वन बार पता करना है ना, वही तो आपका टॉप से आपका सी वन का डिस्टेंस है। तो कैसे पता करेंगे, उसके लिए आपका ये सेक्शन का शेप पता होना चाहिए कि ये आपका ट्रेपोजियम सेक्शन का है, ट्रेपोजियम, ठीक है ना। ट्रेपेजियम बोलते हैं कि ट्रेपोजियम बोलते हैं, जो भी बोलते होंगे। तो ये ट्रेपेजियम शेप जो है आपका, क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं शायद हिंदी में। तो ये जो ट्रेपेजियम शेप है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ए प्लस टू बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस एच बाई थ्री। ए क्या है आपका, ऊपर वाले सेक्शन को अगर ए मान रहे हो तो नीचे वाले का साइड को बी मान लो, हाइट आपका कितना हो जाएगा, आपका एच एच हो जाएगा ये हाइट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला मैथ्स में किए होंगे बचपन में, या फिर एफएम जब आप लोग पढ़े होंगे तो किए होंगे, ठीक है। तो नहीं पता होगा तो ये एरिया का फॉर्मूला नहीं है, याद रखना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, एक बटे दो ए प्लस बी इंटू एच ऐसा करके होता था, इसी इसी शेप का एरिया का फॉर्मूला, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला है, कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं उसको भी लिख दिया यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला को, ठीक है ना। कई लोगों को वही याद आ रहा होगा इसलिए। तो यहाँ पर से ए प्लस टू बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एच बाई थ्री, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला है, किसके लिए, ट्रेपेजियम के लिए। अब मैं ए की जगह में क्या लिखूंगा, सी ए लिख दिया, बी की जगह में क्या लिखूंगा, सी डेस लिख दिया हूँ, और नीचे में वैसे सी ए प्लस सी डेस कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया, डी एफ बाई थ्री किया, डी एफ क्योंकि आपका डेप्थ ऑफ द फ्लेंज है, और एच का जगह में क्या पुट करोगे, डी एफ पुट करोगे ना, तो बस यहाँ पर से आपका वाई डेस निकल के आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, उसके बाद हम लोग वाई टू बार की वैल्यू निकालेंगे, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेव के लिए पता करेंगे कि कहाँ पर सी टू लाई कर रहा है टॉप सेक्शन से। तो उसको पता करने के लिए जो ऊपर में जो वैल्यू आया, मतलब डी एफ प्लस, मतलब इतना डिस्टेंस तो आपका डी एफ ही है ना, और उसके बाद ये जो टोटल डिस्टेंस है वो एक्चुअली में कितना है, एक्स ए है क्या, तो एक्स ए माइनस डी एफ आपका ये बचेगा, एक्स ए माइनस डी एफ है ना। तो वही किया हूँ मैं, डी एफ प्लस क्या कर दिया हूँ, एक्स ए माइनस डी एफ बाई थ्री कर दिया, एकदम आसान, क्योंकि आपका ये ट्रायंगुलर सेक्शन बन रहा है ना यार। और ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेंथ बाई थ्री, एल बाई थ्री डिस्टेंस में लाई करता, तो एल की वैल्यू कितना है, एक्स ए बाई डी एफ है, तो एक्स ए बाई डी एफ बाई थ्री कर दिया ना भाई, सॉरी एक्स ए माइनस डी एफ बाई थ्री कर दिया, उसको जोड़ दूंगा डेप्थ ऑफ द प्लेन से, तो ये आपका वाई टू बार निकल के आ जाएगा। थोड़ा ना ध्यान से समझो, समझ में आ रहा होगा सब चीज, ठीक है। उसके बाद फिर वाई बार की वैल्यू निकालेंगे, वाई बार की वैल्यू निकालने के लिए ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला ही है ये, सी वन इंटू वाई वन बार प्लस सी टू इंटू वाई टू बार डिवाइडेड बाई सी वन सी टू। ये वाई बार तभी निकाल सकते हो जब ऊपर में वाई वन बार और वाई टू बार आपका ऑलरेडी निकल गया रहेगा, ठीक है। तो बस उसमें कुछ नहीं करना है, फोर्स आपको सी वन सी टू और वाई वन वाई टू बार पता होना चाहिए, तो आपका वाई बार निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या, देखो कितना कंजट है ये, ठीक है। ये अगर जिसको समझ में आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट होता है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी बस थोड़ा सा समझ के चलो, ठीक है, एकदम आराम से समझ के चलो, प्रेशर लेके समझने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग स्टेप वन, स्टेप वन आपको पता होना चाहिए कि एकदम सेम होता है, ठीक है, कि एक्सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, के इन टू डी, के का वैल्यू क्या होता है, एमसी डिवाइडेड बाई टी प्लस एमसी, खत्म बात, ठीक है। आगे समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर एक्स ए कैलकुलेट करेंगे, एक्स ए में आपको पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ एरिया
को इक्वेट करते हैं कंपरेशन जोन और टेंशन। टेंशन जोन में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि टेंशन जोन में आप क्या करेंगे, सीधा जो आपका एवरेज स्ट्रेस होगा, सॉरी मोमेंट ऑफ एरिया के लिए हम लोग क्या करते थे, मोमेंट ऑफ एरिया कैलकुलेट करने के लिए एरिया इंटू सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस लेते थे। तो एरिया आपका कितना हो जाएगा, एम इंटू एच टी हो जाएगा, और डी माइनस एक्स से क्या हो जाएगा आपका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से स्ट्रेस के बीच का डिस्टेंस। अरे देखो ना यार, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ ना आप लोग खुद। तो डी आपका टोटल डिस्टेंस था, तो डी माइनस एक्स से कर दोगे, खत्म बात। तो डी माइनस एक्स से ही तो किया हूँ यहाँ पर, तो एम इंटू एच टी डी माइनस एक्स से करने से आपका आ गया। देखो अब लेफ्ट वाले सेक्शन में आते हैं, मतलब कंप्रेशन जोन में आते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मोमेंट ऑफ एरिया अब सिर्फ फ्लेंज नहीं है वहां पर, फ्लेंज प्लस वेव दोनों है, तो फ्लेंज के लिए अलग से निकालोगे मोमेंट ऑफ एरिया, वेव के लिए अलग से निकालोगे, और फिर दोनों को जोड़ोगे। कठिन नहीं है यार, बस देख लो इधर से क्या किए हैं कि विड्थ, एक बार क्या किया, फ्लेंज का विड्थ लिया हूं मैं, फ्लेंज का विड्थ, और उसके बाद फिर डेप्थ ऑफ दी फ्लेंज, उसको मल्टीप्लाई किया तो एरिया आ गया, और फिर एरिया को किससे मल्टीप्लाई किया हूँ, इधर देखो ऊपर ही बता देता हूँ तभी सही रहेगा। मोमेंट ऑफ एरिया निकालना है कंप्रेशन जोन में, कंप्रेशन जोन में आपके पास फ्लेंज भी है और इधर का वेव पोर्शन भी आ रहा है, ठीक है, इतना तो समझ गए। तो अब मैं फ्लेंज के लिए जब मैं मोमेंट ऑफ एरिया निकालूंगा, तो फ्लेंज का एरिया कितना आएगा आपका, बी एफ इंटू में आपका डी एफ, ये क्या हो गया, फ्लेंज का एरिया हो गया। अब इस फ्लेंज के एरिया को मेरे को मल्टीप्लाई किससे करना है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से न्यूट्रल एक्सिस के बीच के डिस्टेंस को, मतलब वो कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना है आपका, एक्स से है ना, ये एक्स से है, तो एक्स से माइनस डी एफ बाई टू नहीं कर दूंगा मैं, डी एफ भाई आपका डेप्थ ऑफ द फ्लेंज था, तो डेप्थ ऑफ द फ्लेंज के आधा को माइनस कर दो एक्स से में से, तो नहीं आ जाएगा यार, बी एफ इंटू डी एफ इंटू एक्स से माइनस डी एफ बाई टू करोगे तो मोमेंट ऑफ एरिया आ गया फ्लेंज के लिए। अब वैसे ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं मोमेंट ऑफ एरिया वेव के लिए, वेव पोर्शन के लिए जो कि आपका कंप्रेशन जोन में है, तो वेव का एरिया जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, बी डब्ल्यू इंटू कितना हो जाएगा, बी डब्ल्यू इंटू एक्स से माइनस डी एफ, इतना हो गया। अब उसके बाद फिर जल्दी से उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताओ वेव का, तो डी एक्स से माइनस डी एफ डिवाइडेड बाई टू, मतलब ये वाला, सॉरी यहां पर से ये अगर मैं इसका सेंटर से ले जाऊं तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ ना यार, एक्स ए माइनस डी एफ डिवाइडेड बाई टू नहीं हो जाएगा, तो कुल मिला के एक्स ए माइनस डी एफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, ये आपका मोमेंट ऑफ एरिया नहीं आ जाएगा यार वेव का, तो वही तो लिखा हूं मैं, ठीक है, एकदम मैं बारीकी से बता रहा हूँ, खत्म करें, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में एक्स ए का वैल्यू निकाल लेंगे। वैसे बेसिकली आपको समझाना मेरे को यही था, इससे आगे का जरूरत नहीं है, आगे देखते हैं। अब एक्स ए और एक्स सी को कैलकुलेट करोगे तो फिर से वही हो जाएगा आपका, अंडर एंड फोर्स ओवर एंड फोर्स, और बैलेंस सेक्शन किस केस में होता है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे नेक्स्ट स्टेप में, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पहले टेंशन जोन का देख लेते हैं क्योंकि इजी है। टेंशन जोन में आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म करना है। कंप्रेसिव फोर्स क्या होता था, एवरेज स्ट्रेस, एवरेज स्ट्रेस मतलब टी ए बाई एम, ठीक है, एवरेज स्ट्रेस हो गया, और इंटू में क्या होगा एरिया, एम इंटू एच टी, तो इससे क्या निकल गया आपका, क्या निकल गया बोलो, टेंसाइल फोर्स निकल गया। अब टेंसाइल फोर्स में अपने को लीवर आर्म मल्टीप्लाई करना है, लीवर आर्म कितना हो जाएगा, डी माइनस वाई बार हो जाएगा क्या, डी माइनस वाई बार, अरे यार यही तो लीवर आर्म हो जाएगा ना, जो आपका कंप्रेसिव फोर्स होता था और जो आपका टेंसाइल फोर्स होता था उसके बीच के डिस्टेंस को ही लीवर आर्म बोलते हैं, तो ये डी माइनस वाई बार नहीं निकल के आ जाएगा, जो आपका रिजल्टेंट मेन कंप्रेशन फोर्स है उसको देखो, ठीक है ना, अपने को बाकी सी वन सी टू से मतलब नहीं है, इसलिए आपका कितना आया, डी माइनस वाई बार आया, ये आपका लीवर आर्म आ गया। अब आगे देखते हैं, अब वो सी वन सी टू काम जब कंप्रेशन जोन में निकालोगे ना, अभी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो काम आएगा। देखो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप फ्लेंज के लिए जब निकालोगे, मतलब कंप्रेशन जोन के लिए निकालोगे, तो फ्लेंज के लिए अलग से निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, वेव के लिए अलग से निकालना पड़ेगा क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस आपका वेव में है, तो इसलिए आपका वेव के लिए अलग से और फ्लेंज के लिए अलग से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले फ्लेंज के लिए हम लोग देखते हैं, फ्लेंज सेक्शन जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ से बहुत सारा आपका, यहाँ मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा ना मिटाल देता हूँ तो आपको चीजें अच्छे समझ में आएगी, है ना, ये जो मैं डायग्राम फ्लेंज को काट के यहाँ पर जो बनाया हुआ हूँ ना, इसी को देखो डायरेक्ट, या फिर आप मेन डायग्राम को भी देख सकते हो, जो ऊपर वाला फ्लेंज के लिए स्ट्रेस डायग्राम बन रहा था उसी को मैं काट के कुल मिला के इधर ले आया हूँ। फ्लेंज
तो यहाँ पर जब एवरेज स्ट्रेस आप लोग निकालोगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज स्ट्रेस लेते हैं, तो एवरेज स्ट्रेस सी डेज प्लस सी ए डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा एवरेज स्ट्रेस। ऊपर वाला सी ए है और नीचे वाला सी डेज है, तो अब क्या करूंगा, एवरेज स्ट्रेस इंटू क्या करूंगा, एरिया करूंगा। एरिया का फॉर्मूला लगा दो अब, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला अब क्या लगाओगे भाई, जो फ्लेंज का एरिया होगा। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो गए, एरिया में क्या करोगे आप लोग, इसी का एरिया का फॉर्मूला लगा दोगे। मैं क्या बोल रहा था, कॉन्क्रीट कहाँ पर है, फ्लेंज में है ना। स्ट्रेस के लिए आप स्ट्रेस डायग्राम देखोगे, एरिया के लिए स्ट्रेस डायग्राम से क्यों एरिया निकालोगे। होता है कई बार दिक्कत, शुरू शुरू पढ़ोगे तो मैं जान रहा हूँ इस चीज को, लेकिन अभी क्या करोगे, फ्लेंज का एरिया निकालना, क्योंकि फ्लेंज में आपका कॉन्क्रीट है, ना कि स्ट्रेस डायग्राम में, है ना। तो फ्लेंज का एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा, बी एफ इंटू डी एफ हो जाएगा। तो वही चीज लिख दिया मैं, यहाँ पर क्या लिखा, सी ए प्लस सी डेज डिवाइडेड बाई 2 एवरेज स्ट्रेस इंटू एरिया कितना हो गया, बी एफ इंटू डी एफ हो गया। इंटू में क्या करना है, लीवर आर्म करना है, तो लीवर आर्म के लिए डी माइनस वाई वन बार किया हूँ, याद रखना वाई बार नहीं किया हूँ, क्योंकि आपका फ्लेंज का जो, ये यहाँ पर मैं बता देता हूँ, देखो इस डायग्राम में देखना कहाँ गया, ओ चलो कोई बात नहीं, मिटल गया, अच्छी बात है। देखो यहाँ पर से क्या है, सी वन दिख रहा होगा आपको, सी वन दिख रहा होगा ना। तो ये जो सी वन है वो क्या है, रिजल्टेंट स्ट्रेस है फ्लेंज के लिए। तो इसका डिस्टेंस मेरे को चाहिए नीचे से, नीचे मतलब जो आपका कौन सा स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस है उसका, तो डी माइनस कितना हो जाएगा, डी माइनस वाई वन बार करूंगा, तब वो फ्लेंज के सेक्शन मतलब फ्लेंज के लिए क्या आ जाएगा, लीवर आर्म आ जाएगा। वैसे ही जब मैं नेक्स्ट स्टेप में वेव के लिए भी यहीं पर बता दे रहा हूँ ना, बाद में नहीं बताऊंगा, तो ये जो वेव पोर्शन है, ये जो वेव पोर्शन है उसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, उसका रिजल्टेंट स्ट्रेस सी टू है, तो उसका लीवर आर्म कितना हो जाएगा ये बताऊं मैं, उसका लीवर आर्म कितना हो जाएगा, ये जो लीवर आर्म है वो कितना हो जाएगा, डी माइनस वाई टू बार नहीं हो जाएगा, डी माइनस वाई टू बार वेव पोर्शन के लिए लीवर आर्म हो गया, उसको मैं यहीं पर बता दिया हूँ, ठीक है। अब देखो कहाँ पर आ गए हम लोग, यहाँ पर से ये समझ में आ गया, पहला वाला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्लेंज सेक्शन के लिए एक बार रिविजन कर देता हूँ, सी सी ए प्लस सी डेज डिवाइडेड बाई 2 एवरेज स्ट्रेस हो गया, इंटू में एरिया करेंगे, बी एफ इंटू डी एफ लीवर आर्म, डी माइनस वाई वन बार हो जाएगा। वैसे ही जब हम लोग वेव पोर्शन के लिए निकालेंगे, तो वेव पोर्शन के लिए एवरेज स्ट्रेस सी डेज डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं, वो ट्रेंगुलर पोर्शन बनता था, ठीक है, ट्रेंगुलर सेक्शन बनता था ना वेव के लिए, तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर कितना था, सी डेज था, तो एवरेज स्ट्रेस जीरो प्लस सी डेज डिवाइडेड बाई 2, इसलिए सी डेज डिवाइडेड बाई 2 एवरेज स्ट्रेस हो गया। उसके बाद एरिया जब हम लोग निकालेंगे, तो ये वाला का एरिया कैसे निकलेगा, आपका वेव पोर्शन का एरिया कैसे निकलता था, बी डब्ल्यू वेव का विड्थ होता था, और जो हाइट निकल के आएगा वो कितना होगा, एक्स ए माइनस डी एफ होगा ना। डी एफ क्या होता था, डेप्थ ऑफ द फ्लेंज को माइनस करोगे ना यार, एक्स ए में से, ठीक है ना। ये वाला सेक्शन अपने को चाहिए, ठीक है ना, मतलब विड्थ तो आपको बी डब्ल्यू पता है, लेकिन हाइट कितना हो जाएगा, एक्स ए माइनस डी एफ हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है आपका, एक्स ए माइनस डी एफ इंटू बी डब्ल्यू एरिया निकल गया। उसके बाद फिर डी माइनस क्या कर दूंगा मैं, वाई बार कर दूंगा। यहाँ पर से एक एवरेज स्ट्रेस आता था सी टू करके, ठीक है, तो उसका मेरे को लीवर आर्म से डिस्टेंस डी माइनस वाई टू बार, ऊपर मैं बता चुका हूँ, बस खत्म हो गया, ठीक। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक में आज के, लिमिट स्टेट मेथड। आज एकदम स्लो हो रहा है क्या, अब देखो यहाँ पर से एकदम ध्यान से देखना, लिमिट स्टेट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिमिट स्टेट मेथड हम लोग देखते हैं तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड अगर आपको समझ में आ गया होगा, तो लिमिट स्टेट मेथड एकदम आराम से प्यार से समझते जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन जो नहीं समझा है वो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार WSM पढ़ के आ जाओ, क्योंकि वहीं से रिलेट करके मैं LSM को बताने वाला हूँ। हर चीज को समझाऊंगा तो मैं WSM को पहले याद कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर से क्या है कि पहला पॉइंट बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ लिमिट स्टेट। लिमिट स्टेट का प्रिंसिपल दो ठोक होता है, एक लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स होता है, एक लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी होता है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स का मतलब होता है इमेजिनरी बिहेवियर ऑफ द स्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ कोलेप्स। जब आपका स्ट्रक्चर कोलेप्स हो रहा है, तो उस समय में उसका जो इमेजिनरी बिहेवियर होता है, तो उसी को लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल आपको पूछता है, तो ये आपका फ्लेक्सर, सियर, टॉर्जन, कंप्रेशन, ये सब क्या है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स के अंतर्गत में आता है। और मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ आपको समझाने के लिए, तो इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि ऐसा
चीज जो आपको इमेजनरी है वो आपको आंख से नहीं दिख रहा है भाई। जैसे कि किसी बीम में आपको लोड लगा हुआ दिख रहा है क्या, कंप्रेशन लोड आपको दिखता है क्या? भले वो थोड़ा बहुत कंप्रेस होता होगा, ठीक है, एकदम बारीक, लेकिन एकदम से आपको वो सेग होते हुए दिखता है क्या? कोलेप्स के समय में नहीं दिखता है, बोलो ना यार, दिखता है मत बोलो, ठीक है, नहीं दिखता है बोलो, क्योंकि देखो कंप्रेशन हो गया, शेयर हो गया, फ्लेक्सर हो गया, टॉर्जन हो गया, ये सब चीजें जो होती है एकदम बारीक होती है, वो हमको आंख से नहीं दिखता है, ठीक है। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, अब आते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, ये एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द स्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ द कोलैप्स, मतलब किसी चीज में आपका क्रेक आ गया, तो क्रेक आपको आंख से दिखेगा ना, ठीक है ना, क्रेक दिखेगा, वाइब्रेशन हो रहा है कुछ चीज तो दिखेगा, ठीक है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो जा रहा है आपका बीम तो दिखेगा आंख से, कोरोजन हो जा रहा है किसी चीज में, ठीक है, जंग लग जा रहा है, तो वो सब दिखेगा ना, तो इसलिए बोलते हैं इसको लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। दोनों ही कोई अच्छा चीज नहीं है, ठीक है ना, दोनों में ही आपका कोलेप्स होने का ढंग है, एक जो है बिना आ, आ, क्या बोलना चाहिए, इंडिकेशन दिए फेल हो जाता है, और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में फेल होने से पहले इंडिकेशन देता है, वही चीज तो है बेसिकली अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स के अंतर्गत में क्या आता है, इमेजिनरी बिहेवियर ऑफ द स्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ कोलेप्स, तो फ्लेक्सर्स या टॉर्सन कंप्रेशन इसके अंतर्गत में आता है, मेन रूप से आपको यही एग्जाम्पल याद रखना है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंतर्गत में डिफ्लेक्शन, क्रेकिंग, वाइब्रेशन, कोरोजन, ये सब आता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं डिजाइन लोड क्या होता है, तो सबसे पहले डिजाइन लोड को समझो यार क्या होता है। डिजाइन लोड मतलब कि जैसे कि आप बोल रहे हो कि मेरा कोई स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है 10 किलो न्यूटन का लोड सह ले रहा है, तो आप डिजाइन लोड को 10 किलो न्यूटन रखोगे कि उससे ज्यादा रखोगे, ये बताओ मेरे को, उससे ज्यादा रखोगे ना यार, 12 किलो न्यूटन मान लो रखोगे, तो डिजाइन लोड थोड़ा ज्यादा रहेगा ना, ठीक है ना, तभी तो आप सामने वाले को बोल सकते हो कि मेरा स्ट्रक्चर जो है आराम से 10 किलो न्यूटन सह लेगा, मतलब उसका डिजाइन लोड उसको बताओगे 10 किलो न्यूटन, लेकिन आपको पता है कि वो थोड़ा ज्यादा है, ठीक है ना, सेफ्टी फैक्टर कुछ तो लेके चलोगे, तो वही बोल रहा है, ठीक है। और अच्छे से समझना चाहते हो क्या? नहीं, छोड़ो यार, ज्यादा हो जाएगा, इतने में समझ गए होगे मेरे ख्याल से, तो बस इतना याद रखना, डिजाइन लोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिजाइन लोड इज इक्वल टू जो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लोड होगा, उसमें आप क्या कर दोगे, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको डिजाइन लोड निकल के आ जाएगा। फिर से बोलो क्या, जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक लोड होगा, कैरेक्टरिस्टिक लोड, उसको आप पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, YF को यहाँ पर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोल दिया हूँ, अपना दर्शाने का तरीका है, किसी भी चीज से दर्शा सकते हैं, तो F इंटू कुल मिला के आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी मान लो 1.5 होगा, कुछ भी होगा, अभी मैं आगे बताऊं कितना पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, तो जाहिर सी बात है कैरेक्टरिस्टिक लोड से ज्यादा ही वैल्यू आएगा डिजाइन लोड का, तो कैरेक्टरिस्टिक लोड यहाँ पर क्या था, कैरेक्टरिस्टिक लोड, कैरेक्टरिस्टिक लोड 10 किलो न्यूटन था ना यार, और डिजाइन लोड आपका 12 किलो न्यूटन था, ठीक है, एग्जाम्पल में बात कर रहा हूँ। आगे देखें तो कैरेक्टरिस्टिक लोड इज द लोड विच हैज द 95% ऑफ द प्रोबेबिलिटी नॉट बीइंग एक्सीडिंग इन द डिजाइन लाइफ, वही तो पहले बताया था ना, जैसे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बताया था वैसे कैरेक्टरिस्टिक लोड है, इसकी 95% प्रोबेबिलिटी होती है कि अपने पूरे लाइफ टाइम में, लाइफ एक्सपान में वो एक्सीड नहीं करेगा, मतलब 5% बस चांस है कि वो एक्सीड करेगा, 95% नहीं करेगा, 95% ऑफ द प्रोबेबिलिटी नॉट बीइंग एक्सीडिंग इन द डिजाइन लाइफ, ओके। आगे समझ में कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है, उसके बाद फिर देखते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मैं बोल रहा था ना पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कैरेक्टरिस्टिक लोड से मल्टीप्लाई करते थे, डिजाइन लोड मिलता था, तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू भी पता होना चाहिए ना भाई आपको, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का वैल्यू लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स के लिए, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए कितना कितना होता है उस टेबल में बताया हूँ, एकदम आसान टेबल है और डायरेक्ट आपको पूछ लेता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का वैल्यू। तो यहाँ पर लोडिंग कंडीशन जो है आपका पहले में डेड लोड और लाइव लोड का कॉम्बिनेशन है, दूसरे में डेड लोड और विंड लोड का कॉम्बिनेशन है। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, विंड लोड QL मतलब क्वेक लोड होता है, अर्थक्वेक लोड, तो विंड लोड और अर्थक्वेक लोड कभी भी एक साथ नहीं आएगा, मतलब ये है कि जब विंड लोड आ रहा है तो क्वेक लोड नहीं आएगा, जब क्वेक लोड आ रहा है तो विंड लोड को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड वाला कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, डेड लोड के साथ या तो विंड लोड या फिर क्वेक लोड। थर्ड वाला कॉम्बिनेशन क्या बोल सकते हैं हम लोग, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड तीनों आ रहे हैं, या फिर यहाँ पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ विंड लोड की जगह हमें क्वेक लोड भी कर सकता हूँ, ठीक है ना,
वही सेम चीज है जैसे ऊपर में किया, तो विंड लोड आएगा तो क्विक लोड आएगा, क्विक लोड नहीं आएगा और क्विक लोड आएगा विंड लोड नहीं आएगा, ठीक है। तीन लोड का कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। तो ऊपर में जो डेड लोड और लाइव लोड का कॉम्बिनेशन है उसके लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी डेड लोड के लिए लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स में 1.5 होगा, लाइव लोड के लिए भी 1.5 होगा, लेकिन यही चीज लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी में डेड लोड लाइव लोड के कॉम्बिनेशन में डेड लोड की वैल्यू 1 हो जाएगी और लाइव लोड की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो एकदम आसान है, एक तरफ 1.5 एक तरफ 1, ठीक है। सेकेंड वाला जो दो लोड का कॉम्बिनेशन है उसमें आपका डेड लोड आ गया है और विंड लोड आ गया है या फिर क्वेक लोड आ गया है, तो इस केस में आपका डेड लोड 1.5 होगा। अभी 0.9 नीचे वाले को अभी छोड़ो, अभी सिर्फ 1.5 को देखो, 1.5 होगा। वैसे ही आपका विंड लोड आ रहा है तो विंड लोड की जगह में 1.5 लोगे, वैसे ही आप लिमिटेड स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी में जब देखोगे तो यही सेम लोड के कॉम्बिनेशन में आपका क्या हो जाएगा, 1 लिखेंगे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी डेड लोड की जगह, विंड लोड की जगह में हम लोग 1 ही लिखेंगे सर्विसबिलिटी केस में, ठीक है। तो इधर आपका 1.5 होता है, उधर 1 होता है, एकदम आसान है, ठीक है। अब ये 0.9 क्यों लिख दिया गया है यहाँ पर, ये क्या हो गया, एक मिनट रुकना। तो ओहो अच्छा, देखो पहले उसको बाद में देखूंगा। तो ये जो 0.9 जो लिखा गया है, 0.9 जो लिखा गया है ना, वो किस केस में है, जब आपका टॉर्सन आता है, ठीक है ना, मतलब कि रोटेशन के अगेंस्ट आपका जो सेक्शन होता है वो क्रिटिकल होता है। उसको नीचे में लिखा हुआ हूँ, उसको मैं बताऊंगा, बस दिक्कत ये है नीचे का गायब कैसे हो गया समझ नहीं आ रहा है, चलो उसको बाद में देखते हैं। अब थर्ड कॉम्बिनेशन देखते हैं, डेड लोड लाइव लोड और विंड लोड का जब कॉम्बिनेशन रहेगा, डेड लोड लाइव लोड विंड लोड का जब कॉम्बिनेशन रहेगा, तो उस केस में आपका लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स, लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स के लिए जो विंड लोड है वो 1.2 हो जाता है, पहले 1.5 होता था, अब कम हो गया थोड़ा सा, 1.2 हो गया, और लाइव लोड भी 1.2 होगा और विंड लोड या फिर क्वेक लोड भी आपका 1.2 हो जाएगा। उसके बाद फिर थर्ड केस में देखते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी के केस में ये आपका 0.8 हो जाता है, 1 से कम होके 0.8 हो जाएगा, लेकिन डेड लोड 1 ही रहेगा, इसी चीज को आप लोग गड़बड़ करते हैं, ठीक है। तो 1 ही रहेगा, डेड लोड आपका पहले भी 1 था अभी भी 1 है, तीनों लोड है, मतलब तीनों लोड के केस में भी आपका कितना रहेगा, आपका 1 ही रहेगा, लेकिन बाकी 1 की जगह में 0.8 हो गया। और लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलेप्स में क्या देखे थे, 1.5 की जगह 1.2 हो गया। एक बार क्विक रीजन कर देता हूं मैं, जब दो लोड का कॉम्बिनेशन रहेगा, कोई भी दो लोड का कॉम्बिनेशन रहेगा, तो आपका जो भी लोड रहेगा वो आपका 1.5 रहेगा लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलेप्स के केस में, ठीक है ना, देख लो 1.5 है, लेकिन सर्विसबिलिटी केस में सब जगह कितना रहेगा, 1 रहेगा जो भी लोड रहेगा उसके जगह में, ठीक है। जब तीन लोड एक साथ आएंगे, तीन लोड एक साथ आएंगे तो 1.5 1.2 हो जाएगा, किस केस में, लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स के केस में, लेकिन लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स सर्विसबिलिटी के केस में क्या हो जाएगा आपका, 1 की जगह में 0.8 आएगा, लेकिन डेड लोड आपका 1 ही रहेगा। और एक एक्सेप्शनल केस था कि जो हम लोग डेड लोड और विंड लोड का कॉम्बिनेशन देखते थे, तो उस केस में आप 1.5 की जगह 0.9 कब लेते थे, जब आपका स्ट्रक्चर क्रिटिकल होता था रोटेशन के अगेंस्ट, ठीक है। इतना समझ में आ गया क्या, अब 2 मिनट मेरे को टाइम देना कि यहाँ पर हो क्या गया, इसको मैं पहले समझ लेता हूँ। ओ भाई एक पेज ही गायब हो गया यार, मेरे ख्याल से 2-3 पेज गायब हो गए बीच का, यहाँ पर मेरे को बताना था। अब क्या करें, आज का क्लास यहीं पर मेरे को स्टॉप करना पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि बीच का गायब हो गया है, कि मैं स्किप करके नेक्स्ट पेज को पढ़ा दूं। चलो बीच का ना, बीच का कुछ नहीं था, बीच में क्या था तो आपका यही चीज मेरे को बताना था, वो 0.9 वाला एक तो एक्सेप्शनल केस किस लिए था, जब आपका स्ट्रक्चर क्रिटिकल होता था रोटेशन के अगेंस्ट, तो उस केस में हम लोग बस 0.9 लेते थे। और क्या था, स्ट्रेस, अच्छा अजम्पशन था, अजम्पशन नहीं, अजम्पशन तो नीचे में है, तो ऊपर में क्या था यार, याद नहीं आ रहा है मेरे को, चलो उसको कल मैं बता दूंगा, अभी इसको समझ लो स्ट्रेस, क्योंकि अभी टाइम है इसलिए बोल रहा हूँ, अभी यहाँ पर स्टॉप कर दूंगा तो आपका लेक्चर छोटा बन जाएगा, इसलिए इसको पढ़ लो, है ना, उसको देखेंगे बाद में। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर दी कॉन्क्रीट, तो कॉन्क्रीट के लिए जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम लोग देखेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए, इन आपको कुल मिला के डायग्राम को याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो शेप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर पैराबोलिक शेप होता है,
स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो होता है कंक्रीट का, एलएसएम के केस में, एलएसएम पढ़ रहे हैं अभी, एलएसएम में पहुंच चुके हैं, होश हवास होगा ना, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है वो रेक्टेंगुलर पैराबोलिक शेप होता है। अब इस डायग्राम को समझना आप, देखो एक तरफ वर्टिकल में मैं स्ट्रेस लिख दिया हूँ और आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है स्ट्रेन है, 0.02 स्ट्रेन, 0.02 स्ट्रेन, मेरे को याद आ गया उस पेज में था क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, स्ट्रेंथ वगैरह बताया हूँ उसमें, एफसी के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में बताया हूँ, ये 0.67 एफसी के कैसे आ गया, 0.45 एफसी के कैसे आ गया, उसको मैं मुंह से बता देता हूँ अभी क्योंकि मेरे को याद आ गया है, समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो कल एक बार और बता दूंगा। होता क्या है कि एफसी के जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है कॉन्क्रीट का, और AFI जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है स्टील का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे हम लोग ऊपर में देखे थे डिजाइन लोड, वैसे ही अब हम लोग देखने वाले थे डिजाइन स्ट्रेंथ, ठीक है। क्या देखने वाले थे? डिजाइन स्ट्रेंथ। एक काम करता हूँ, एक नया पेज लेता हूँ और आप लोगों को बता ही देता हूँ। तो डिजाइन स्ट्रेंथ लिख देते हैं। अब डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे डिजाइन लोड था वैसे डिजाइन स्ट्रेंथ है। मान लेते हैं यह हमारा स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर में आप लोग किसी को बोल रहे हो कि भाई इसका जो डिजाइन स्ट्रेंथ है वो 10 किलो न्यूटन का है, मतलब उसको आप लोग कम करके बता रहे हैं। हो सकता है उसका स्ट्रेंथ 12 के लिए डिजाइन किए हो, लेकिन आप लोग उसको सामने वाले को कम बताओगे ना, पार्शल मतलब सेफ्टी फैक्टर लेके, कि नहीं भाई मेरा स्ट्रक्चर 10 किलो न्यूटन तक सह सकता है, उसका डिजाइन लोड आप कितना, डिजाइन स्ट्रेंथ आप 10 किलो न्यूटन मान के चलो, ठीक है ये बोलोगे। लेकिन आप डिजाइन किसके लिए किए रहोगे? 12 के लिए, मतलब 10 से ज्यादा के लिए किए करोगे। आगे यहाँ समझ में, तो डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होता है समझ में आया? तो डिजाइन स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? तो डिजाइन स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है आपका जो भी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ जो होता है, इसीलिए मैं पहले से लिख लेता था, ठीक है, डिजाइन इज, क्योंकि टाइम बचता है, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप किसी से भी दर्शाओ उसको, हाँ ना, ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। तो ऐसा करने से आपका क्या आता है? डिजाइन स्ट्रेंथ आता है। जबकि ऊपर में मैं डिजाइन लोड बताया था, उसके लिए हम लोग क्या करते थे, जो कैरेक्टरिस्टिक लोड होता था उसको मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ डिवाइड करते हैं, मतलब कुल मिला के यहाँ स्ट्रेंथ की वैल्यू कम आएगी और वहां पर लोड की वैल्यू ज्यादा आती थी, डिजाइन लोड की वैल्यू। समझ में आ गया ना? ठीक है, नहीं आता तो याद रख लो भाई, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं अगला स्टेप में, मैं ये बताया हूं कि FY को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील बोलते हैं और FCK को क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग डिजाइन स्ट्रेंथ की बात करेंगे। डिजाइन स्ट्रेंथ अगला टॉपिक, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात करेंगे। तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसी जो ऊपर वाला फॉर्मूला था कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मतलब FCK डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब यहाँ पर से आपको पता होना चाहिए कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो कंक्रीट का होता है वो 1.5 होता है। अब नहीं पता होगा तो उसको भी मैं बता देता हूँ। दो कंडीशन होता है, एक लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स होता है। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स के केस में, लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स के केस में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो आपका निकल के आता है कॉन्क्रीट के लिए, कंक्रीट के लिए वो 1.5 निकल के आता है, जबकि स्टील के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल के आता है 1.15। लेकिन यही चीज जब मैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की बात करूंगा, सर्विसिबिलिटी की जब मैं बात करूंगा, तो इस केस में आपके लिए सी लिख देता हूं ना मैं, सी कंक्रीट के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 और स्टील मतलब एस के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1, मतलब दोनों के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 होता है। इस चीज को आपको याद रखना है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है कंक्रीट के लिए 1.5 और स्टील के लिए 1.15। आप लोग क्या करेंगे, इसी को याद रखते हैं, लेकिन वो याद नहीं रखते कि वो किस केस में, लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स के केस में, लेकिन सर्विसिबिलिटी केस में दोनों का वैल्यू 1 ही होता है, दोनों की पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 ही होती है, इस चीज को भी याद रखना है। अब आते हैं वापस डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में। अब डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालना है तो आप जान गए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी करेंगे, कंक्रीट का पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 होता है तो आंसर आएगा 0.67 FCK। तो ये तो समझ में आ गया मेरे को, लेकिन एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, दोबारा दोबारा मतलब 2 टाइम्स पार्शियल ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं और आंसर आता है 0.45 FCK
इसको हम लोग मानते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ना कि 0.67 FCQ को। अब ये सेकंड टाइम होशियारी क्यों किए हम लोग, मतलब सेकंड टाइम हम लोग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड क्यों किए, उसको अभी समझाता हूँ, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है? इसको अपने से लिख भी लेना ना, ठीक है? अपने से लिख भी लेना, मैं वैसे लिखा हुआ था लेकिन वो पेज गायब हो गया, तो इसको आप लोग अब लिख लेना, क्योंकि कल मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं सब चीज अभी बता दूंगा, ठीक है? तो देखो होता क्या है कि फर्स्ट टाइम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि कंक्रीट हम लोग जो बना रहे हैं, ठीक है, कंक्रीट जो बना रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें बारीकी से हमको मतलब क्या करना पड़ता है, ध्यान में रख के चलना पड़ता है। मतलब उसमें वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए, एग्रीगेट का साइज कितना होना चाहिए, सेंड कितना होना चाहिए, मतलब जो प्रोपोर्शन है सेंड सीमेंट और किसका एग्रीगेट का, यानी कि फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट, उसको भी अपने को ध्यान में रखना पड़ता है। पानी कितना मिलाना है, कितने समय तक मिक्स करना है, ठीक है, कितने टाइम मतलब मिक्स करने के बाद कितने समय प्लेस करना है, ठीक है, और कितना ब्लो देना है, कुल मिला के बहुत सारी चीजें जो रहती है उसको ध्यान में रखना पड़ता है। और लेबर लोग कर सकते हैं क्या ये चीज, आप लोग एकदम ईमानदारी से बताओ, नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग पहले से पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी मान के चलते हैं कि भाई हम लोग पहले से 1.5 से डिवाइड कर देते हैं, बढ़िया। तो ये आपका 0.67 FCK, मतलब 67% ही स्ट्रेंथ मान के चलते हैं। तो ये तो चलो समझ में आ गया सर कि आप बोल रहे हो 67% स्ट्रेंथ मान के चलेंगे, जो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगा उससे। लेकिन ये सेकंड टाइम होशियारी क्यों किए, सेकंड टाइम हम लोग 1.5 से एक बार और क्यों डिवाइड किए, और सिर्फ हम लोग बोल रहे हैं कि 45% स्ट्रेंथ मानेंगे, वही उसका डिजाइन स्ट्रेंथ होगा करके, ऐसा आ रहा होगा क्वेश्चन। तो सेकंड टाइम आप सुनना, होता क्या है भाई कि हम लोग कॉन्क्रीट बना लिए, ठीक है ना, कॉन्क्रीट ही मेन इंग्रेडिएंट होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, और कंक्रीट की हेल्प से ही हम लोग अलग अलग शेप बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, बीम बना रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, ठीक है, और अदर सुपर स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अलग अलग शेप में, ठीक है, अलग अलग साइज में। तो कितना सारा चीज आप लोग ध्यान में रखोगे, तो उससे अच्छा हम लोग बोलते हैं ले भाई टेंशन मत ले, हम लोग बहुत बड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं, काम करते हैं कि तेरा स्ट्रेंथ अगर 100 का है, ठीक है, 100 न्यूटन का है या फिर 100 किलो न्यूटन का है, तो तू उसको मानी मत, उतना उतना सीधा मान ले, तू 45 किलो न्यूटन मान ले भाई, बात खत्म कर, ये बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो 45 किलो न्यूटन बस अब उसका स्ट्रेंथ मान लिया अपने कॉन्क्रीट का, अब डिजाइन कर जो करना है कर, ऐसा बोलते हैं, समझ में आए? एकदम आपको साधारण भाषा में बता रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई ऐसा समझाएगा, ठीक है। तो 0.45 FCK ही कैरेक्टर उसका डिजाइन स्ट्रेंथ होगा, याद रखना। अब आपको कोई भी पूछेगा कि कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेंथ कितना होता है, तो वो 0.45 FCK होता है, ठीक है। या फिर आपको बोलेगा कि डिजाइनिंग हम लोग किसके लिए करेंगे, मतलब डिजाइन करते समय कंक्रीट का स्ट्रेंथ कितना लेना है और कौन सा स्ट्रेंथ, कौन सा स्ट्रेंथ, सियर स्ट्रेंथ ना, दो स्ट्रेंथ होता है, ठीक है ना, एक सियर डायग्राम बनाते हैं और एक कौन सा बेंडिंग डायग्राम बनाते हैं, स्ट्रेंथ डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सीआर स्ट्रेंथ है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वैसे अब स्टील का समझते हैं, स्टील का डिजाइन स्ट्रेंथ आपको निकालना है। स्टील का डिजाइन स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टील का डिजाइन स्ट्रेंथ निकालने के लिए फैक्टर ऑफ सॉरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लोगे, किसका यार, स्टील का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डिवाइड करोगे 1.15 से, क्योंकि 1.15 इसी को लेना है आपको, नीचे वाले को नहीं लेना है, सर्विसेबिलिटी वाले को नहीं लेना है, ठीक है। तो 1.15 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 0.87 FY। तो यही तो उसका डिजाइन स्ट्रेंथ होता है स्टील का, इसको अब हमेशा याद रखना ना, स्टील का डिजाइन स्ट्रेंथ कितना होता है, 0.87 FY होता है। आगे बढ़े क्या, चलो अब नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। मेरे ख्याल से यही सब था जो पेज आपका मिस हो गया है, अब यहाँ पर समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर दी कॉन्क्रीट, और उसमें पहला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में यही लिखा हूँ कि शेप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो होता है आपका रेक्टेंगुलर पैराबोलिक शेप का होता है, और फिर उसके बाद मैं बताया हुआ हूँ कि 0.02 स्ट्रेन में, अब ये डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए, 0.002 स्ट्रेन में, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 0.2% स्ट्रेन बोल सकता हूँ क्या, इस पॉइंट में आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कॉन्क्रीट का कैसा बना है, पैराबोलिक शेप का बना है। लेकिन इसके बाद आपका लीनियर डायग्राम बना है, स्ट्रेट डायग्राम बना है, कहाँ तक, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेन कहाँ तक होता है आपका, 0.035 होता है, मतलब इसको मैं 0.35% भी बोल सकता हूँ क्या, 0.35% स्ट्रेन तक आपका लीनियर डायग्राम बना है किसका, कंक्रीट का।
तो वही था आपका ऊपर में क्या था, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ था, लेकिन ये हमारे लिए कोई काम का नहीं रहता, ठीक है। इसको मान के चलोगे तो आपका स्ट्रक्चर फेल ही होना है, मान के चलो। दूसरा वाला फैक्टर ऑफ सेफ्टी फिर आया आपके सामने, 0.67 FCK, ठीक है, ये स्ट्रेंथ, इसको भी नहीं मानेंगे बोले हम लोग। तो मेन जो हमारे लिए काम का होता है तीसरा वाला होता है, और इसी को फिर मैं शेडेड लाइन खींचा हूँ, और मैं बताया हूँ कि दिस कर्व इज यूटिलाइज फॉर द डिजाइनिंग पर्पज। तो डिजाइनिंग पर्पज में इसी कर्व का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो अब देखो अजम्पशन में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अजम्पशन। अजम्पशन एलएसएम के लिए आपका पहला अजम्पशन तो सेम है, डब्ल्यूएसएम में भी यही था, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। उसके बाद ये आपको डायग्राम समझना, ये डायग्राम समझ गया ना तो एलएसएम खत्म है भाई, ठीक है। ठीक, आधा काम यही खत्म हो जाता है। तो सबसे पहला वाला जो डायग्राम है बीम सेक्शन का, वो तो डब्ल्यूएसएम में भी वही था, यहाँ भी वही है। इसमें आपको याद रखना है कि WSM में जैसे हम लोग एरिया ऑफ स्टील को कन्वर्ट करते थे कंक्रीट के टर्म में, इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। AST है तो AST ही रहेगा, इसमें M से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, इसमें हम लोग को कंक्रीट के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं करना है, ठीक है। ये चीज अंतर हो गया, बाकी सब चीज तो वही है। आपका डी जो है आपका ओवरऑल डेप्थ ऑफ दी सेक्शन है, बी जो है विड्थ ऑफ दी सेक्शन है, डी जो है इफेक्टिव डेप्थ है, और एक्स ए होगा वो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। लिख दो, नहीं लिखा हूं तो एक्स ए क्या हो जाएगा, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं स्ट्रेन डायग्राम में, स्ट्रेन डायग्राम में, ठीक है। स्ट्रेन डायग्राम में जब आओगे तो आपका वही रहेगा, न्यूट्रल एक्सिस में आपका जीरो स्ट्रेस मिले, जीरो स्ट्रेन मिलेगा, सॉरी। इसमें स्ट्रेन डायग्राम लीनियर मिलता है। अब यहाँ पर अंतर है, वहां पर हम लोग कैलकुलेशन स्ट्रेस डायग्राम से करते थे, हालांकि वहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम दोनों ही लीनियर होता था, लेकिन कैलकुलेशन स्ट्रेस डायग्राम से करते थे। लेकिन यहाँ पर एलएसएम में हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रेन डायग्राम तो लीनियर बन रहा है, लेकिन स्ट्रेस डायग्राम लीनियर नहीं है। मतलब सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करोगे तो कौन सा डायग्राम यूज करोगे, ये बताओ आप। स्ट्रेन डायग्राम का यूज कर सकते हैं, स्ट्रेस डायग्राम का कैसे करोगे, ठीक है। अब ये डायग्राम कैसे बना उसको समझा रहा हूँ मैं अभी। अभी इतना समझ लो कि न्यूट्रल एक्सिस में चाहे वो स्ट्रेस डायग्राम हो चाहे स्ट्रेन डायग्राम हो, दोनों क्या है आपका, जीरो है, ठीक है। चाहे वो कंप्रेशन जोन हो, टेंशन जोन हो, हर मतलब कि दोनों में आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन जीरो ही है न्यूट्रल एक्सिस में। अब हम लोग ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे कंप्रेशन जोन में, स्ट्रेन डायग्राम में लीनियरली वेरी करते जाएगा, एक पॉइंट आएगा 0.02 स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन डायग्राम में तो कोई इफेक्टेड नहीं होगा, तो और सीधा ही चला गया लीनियरली, और मैक्सिमम स्ट्रेन आपको पूछता है, बोलता है कि टॉप मोस्ट फाइबर में मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन कितना होता है। तो आप लोग सीधा आंसर लगाना 0.035 होता है, परसेंट में बोलेगा तो 0.35% होता है। एक दूसरा क्वेश्चन पूछता है जिसमें आप लोग घूम जाते हैं, पूछता है भाई कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन का वैल्यू बताइए, या फिर ऐसा बोलता है मैक्सिमम डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेन का वैल्यू बताइए। तो मैक्सिमम डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेन में आप लोग 0.02 लेंगे या फिर 0.2% आंसर लेंगे। जब तक वो नहीं बोले मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन एट टॉप मोस्ट फाइबर, जब तक नहीं बोले आप लोग 0.035 नहीं लेना है। और दूसरा क्वेश्चन एक और आता है कि मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू बताइए जहां तक आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कॉन्क्रीट का पैराबोलिक होता है। तो आपको ऊपर में ही बताया हूं उसका आंसर भी क्या होगा, 0.2% स्ट्रेन होगा, ठीक है ना। इसी को आप लोग यहाँ पर से एक्सटेंड किए हैं 0.02 को, तो इसीलिए आपका जो न्यूट्रल एक्सिस से जो आपका 0.02 तक पैराबोलिक गया, ये पैराबोला है ना, पैराबोलिक शेप तक शेप बना है आपका 0.02 स्ट्रेन तक, और फिर उसके बाद फिर आगे ऊपर में लीनियर शेप बना है कि नहीं, लीनियर शेप, ठीक। बस वही है, आ गया यहाँ तक समझ में। तो इसका भी आपका जो मैक्सिमम स्ट्रेस निकल के आएगा वो 0.45 FCK होता है, मैं बता चुका हूँ 0.45 FCK। अब हम लोग नीचे वाला कंप्रेशन जोन में देखते हैं, तो स्ट्रेन डायग्राम में जो कंप्रेशन जोन में आपको डायरेक्ट ये चीज निकल के आया है, इसमें हम लोग K क्या है 0.87 FI डिवाइडेड बाई ES, प्लस क्या किए हैं 0.02 किए हैं, ये क्या है आपका मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंप्रेशन है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ मैक्सिमम स्ट्रेन ऑफ स्टील इन कंप्रेशन है, ठीक है। आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है तो आपको आंसर यही लेना है। अच्छा, इसी को आपको दूसरे टर्म में भी लिख सकता है, कुछ बेवकूफ लोग को समझ में नहीं आता है तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो FY डिवाइडेड बाय, हाँ मैं आप लोगों को ही ये बेवकूफ बोल रहा हूँ क्योंकि इतना बताने के बाद भी आप लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते। 1.15 डिवाइडेड बाई FY प्लस 0.02 लिख सकता हूँ क्या इसी सेम को, इसको देखो क्यों नहीं लिख सकता भाई, वही चीज तो है। 0.87 FY जो है उसके बदले में मैं FY डिवाइडेड बाई 1.15 नहीं लिख सकता यार, सेम चीज तो है ना, ठीक है। अब आ गया समझ में,
तो अब एक और चीज मैं बता रहा हूँ, ये जो वैल्यू है मैक्सिमम स्ट्रेन का वैल्यू, ये जो मैक्सिमम स्ट्रेन का वैल्यू है वो कम होना चाहिए हमेशा, ठीक है? उसको चलो मैं नीचे बता दूंगा, उसका वैल्यू अगर एक्सीड किया ना तो वो फेलवर हो जाता है, वो कम होना चाहिए। यहाँ पर ना इसलिए इक्वल का साइन लिख लो, यहाँ पर नहीं तो कंफ्यूज हो, ग्रेटर देन और इक्वल लिखा हो ना उसके जगह में इक्वल लिख लो, उसको नीचे में बता दूंगा। उसके बाद फिर स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम में जो मैक्सिमम स्ट्रेस मिल रहा है आपका स्टील के लिए वो 0.87 FY मिल रहा है। ऊपर में बताया यार डिजाइन स्ट्रेंथ, अबे स्ट्रेंथ और स्ट्रेस मतलब समझ में आता है कि नहीं? सोम पढ़े होगे तो स्ट्रेस और स्ट्रेंथ, स्ट्रेस के मैक्सिमम वैल्यू को ही स्ट्रेंथ बोलते हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस ही तो है, तो वही चीज तो है जो डिजाइन स्ट्रेंथ ऊपर में पढ़े हैं वही यहाँ पर ये लिख दिए हैं 0.87 FY। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0.87 FY क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस हो जाएगा स्टील के लिए, लेकिन मैं कॉन्क्रीट के लिए मैक्सिमम स्ट्रेस की बात करूंगा तो 0.45 FC के। ये डायग्राम पूरा दिमाग में घुस जाना चाहिए, इसी डायग्राम से एक क्वेश्चन अभी से फिक्स है, मैं लिख के दे रहा हूँ आपके एग्जाम में, ठीक है? कुछ भी पूछ सकता है, स्ट्रेन पूछ सकता है या फिर स्ट्रेस पूछ सकता है, कॉन्क्रीट के लिए पूछ सकता है या फिर स्टील के लिए पूछ सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले जंक्शन में आते हैं। यहाँ पर बोला है कि स्ट्रेन डायग्राम इज लीनियर, वही चीज बोल रहा है कि स्ट्रेन डायग्राम आपका लीनियर है जबकि स्ट्रेस डायग्राम आपका पैराबोलिक है पार्शली, और पार्शली क्या है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, उसके बाद फिर मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट एट आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में कितना होता है, तो 0.35% होता है, वही चीज मैं बताया हूँ। ठीक है, मतलब ये जो डायग्राम ही है यही पूरा एजम्पशन है, समझ में आ रहा है? और यही बहुत इंपॉर्टेंट है, द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इन कॉन्क्रीट इज अज्यूम टू बी रेक्टेंगुलर पैराबोलिक, वही चीज मैं बताया ऊपर में, बढ़िया अलग से बताया हूँ आप लोगों को कि कैसा डायग्राम रहता है, रेक्टेंगुलर पैराबोलिक होता है करके स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, तो वही चीज बोल रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इन द कॉन्क्रीट इज अज्यूम टू बी रेक्टेंगुलर पैराबोलिक, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, देखो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस या फिर डिजाइन स्ट्रेंथ कंक्रीट का कितना होता है, 0.45 FC के होता है, ये भी बता चुका हूँ। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट निगलेक्टेड, WSM में भी हम लोग यही बोलते थे कि कंक्रीट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो नहीं होता है उसके पास, कुछ भी बोलते थे मतलब निगलेक्ट कर देते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट इन सेक्शन एट फेलवर, एट फेलवर नॉट बी लेस देन, यहाँ पर इस चीज को समझना, ये जो मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू है स्टील के लिए ये आपका अगर ग्रेटर देन रहेगा, मतलब जब फेल हो रहा है, एट फेलवर शुड नॉट बी लेस देन, इससे छोटा नहीं होना चाहिए अगर फेल हो रहा है तो, ठीक है? और फेल नहीं हो रहा है तो आपका जो वैल्यू है, जो ये 0.87 FY डिवाइडेड बाई ES प्लस 0.02 है, इसकी जो वैल्यू इससे कम होना चाहिए, ठीक है ना? मतलब एट फेलवर शुड नॉट बी लेस देन, इसकी वैल्यू स्ट्रेन की वैल्यू ना, स्ट्रेन की वैल्यू जो है इतने से कम होना चाहिए अगर सेक्शन फेल नहीं हो रहा है तो, और फेल हो रहा है तो या तो इसके बराबर होना चाहिए या फिर इससे बड़ा होना चाहिए। आगे समझ में? ठीक है, फेल हो रहा है तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, फेल हो रहा है तो उसकी वैल्यू जो गिवन है उससे बड़ी या फिर बराबर होना चाहिए, और फेल नहीं हो रहा है तो उससे छोटी होनी चाहिए बस। और इसी को मैं इस टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वही मैं ऊपर में बताया था। उसके बाद डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द रेनफोर्समेंट, ये कितनी होती है आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ रेनफोर्समेंट मतलब स्टील की, 0.87 FY होती है, ऊपर में मैं बता चुका हूँ। अब सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में आते हैं, देखना एकदम मजा आने लग जाएगा, प्यार से सब चीज समझ में आएगा अगर आपको WSM समझ में आ चुका है। XA को मैं यहाँ पर XU से रिप्रेजेंट करूंगा, मतलब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को यहाँ पर XU करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को। वहां पर जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता था XE होता था WSM में, यहाँ पर मैं उसको XU लिमिट बोलूंगा, मतलब लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा। वहां पर जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता था MR या फिर उसको MOR भी लिखता था मैं, तो यहाँ पर मैं उसको MU लिखूंगा, मतलब अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस जो होता था वहां पर मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट करता था, यहाँ पर F से रिप्रेजेंट करूंगा, मतलब ये स्ट्रेस हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये जो डायग्राम है मैं फिर से बना दिया हूँ, लेकिन कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि आपका स्ट्रेस डायग्राम को देखना, ये स्ट्रेस डायग्राम में आपका मैक्सिमम स्ट्रेस मैं बता चुका हूँ 0.45, और मैक्सिमम स्ट्रेस स्टील के लिए भी बता चुका हूँ। यहाँ पर ऊपर वाला जो कंप्रेशन जोन है, क्योंकि उसका एरिया देख रहे हो कैसा है, तो उसके जगह में आपका एक रिजल्टेंट स्ट्रेस सी मैं मान लिया हूँ, सी का वैल्यू आपको जानने का जरूरत है, बिल्कुल है, और उसको अभी से जान लो, क्या बन गया, अभी से जान लो कि इसका वैल्यू जो होता है 0.36 FC के होता
होता है करके, ठीक है। फोर्स का वैल्यू 0.36 एफसीके होता है। कहाँ से होता है? तो आईएस कोड से होता है। मतलब कुल मिला के आप लोग याद कर लो, वैसे मैं बता सकता हूँ कैसे आया लेकिन कोई मतलब नहीं है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो 0.36 एफसीके याद रख लो, ठीक है। 0.36 एफसीके याद रख लो कि वो आपका क्या होगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस होगा, और यही उसका एवरेज स्ट्रेस भी होगा। अब वो कैसे, WSM में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर जीरो स्ट्रेस होता था, ठीक है, और ऊपर में टॉप मोस्ट फाइबर में CA होता था, जैसे कि यहाँ पर 0.45 FCK, दोनों को क्या करते थे, एवरेज लेते थे। यहाँ पर भी वही चीज पहले से करके आपको मैं बता दिया हूँ कि वो इतना वैल्यू है करके, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। वही एवरेज स्ट्रेस को मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया हूँ कि 0.36 FCK होगा। अब मत पूछना कि एवरेज स्ट्रेस कितना होगा, एवरेज स्ट्रेस बोलो, रिजल्टेंट स्ट्रेस बोलो, 0.36 FCK होगा। यहाँ पर एवरेज स्ट्रेस जब मैं बोलूंगा उसका मतलब यही है, ठीक है। और ये जो एवरेज स्ट्रेस है या फिर जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है, उसका जो ऊपर टॉप सेक्शन है उससे डिस्टेंस कितना है, 0.42 XU है। इसको भी नहीं बताऊंगा कैसा है, डायरेक्ट याद रख लो, 0.42 XU याद रख लो, अभी से याद रख लो, ठीक है। 0.42 XU आ गया समझ में? जब इतना समझ में आ गया तो यहाँ पर से मैं जब लीवर आर्म निकालने बोलूंगा तो आप लोग बोल दोगे कि डी जब इफेक्टिव डेप्थ होता है तो डी माइनस 0.42 XU क्या हो जाएगा, लीवर आर्म नहीं हो जाएगा यार, ठीक है। इतना समझ में आ गया क्या? और क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको? ये 3/7 XU और 4/7 XU एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसको मैं अभी नीचे बता देता हूँ कैलकुलेट करके, और बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है जो मैं ऊपर में बताया हूँ डायग्राम में, एजम्पशन में वही सब चीज है, ठीक है। इन LSM स्ट्रेन डायग्राम इज लीनियर, वही चीज बोला है, LSM में स्ट्रेन डायग्राम लीनियर होता है और स्ट्रेस डायग्राम नहीं होता, तो इसलिए स्ट्रेन डायग्राम से ही हम लोग एनालिसिस करते हैं करके बोल रहे हैं, ठीक है। अगले स्टेप में आते हैं, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अब स्ट्रेन डायग्राम में करेंगे। यहाँ पर मैं बता दिया हूँ स्ट्रेन डायग्राम को, बगल में ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। तो अब मेरे को X1 और X2 कैलकुलेट करना है, वही चीज जो आपका आया था 3/7 और 4/7। X1 और X2 क्या है समझ में आ रहा है ना? जो 0.02 स्ट्रेन तक है उसको X1 में मान लिया हूँ, और 0.02 से लेके 0. जो टॉप मोस्ट फाइबर तक 0.035 है उसको मैं X2 मान लिया हूँ, उसका डिस्टेंस मेरे को पता करना है। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करो, एक बड़ा ट्रायंगल हो जाएगा, एक छोटा ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला ग्रीन कलर में मैं बना दे रहा हूँ, ये छोटा ट्रायंगल है, और एक तो क्या हो जाएगा, बड़ा ट्रायंगल हो जाएगा। तो बस उसमें क्या करना है, आप क्या करेंगे, XU डिवाइडेड बाई क्या कर दिया मैं, XU डिवाइडेड बाई क्या कर दिया, 0.035 कर दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, X1 डिवाइडेड बाई क्या करूंगा, 0.02 नहीं करूंगा, ठीक है। उसके बाद आपका X1 का वैल्यू आ जाएगा, फिर X1 जब आ गया तो X2 आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि XU इज इक्वल टू क्या है आपका, X1 + X2 है। जब X1 पता चल गया तो X2 नहीं निकाल सकते हो, तो आ गया आपका 4/7 XU, X1 आ गया, X2 3/7, कितना कठिन था ये, ठीक है। इसको बेसिकली आप लोग याद रखना चाहो तो याद कैसे रखोगे, ये आपका है ट्रेंगल, और हम लोग जानते हैं कि ट्रेंगल का जो बड़ा साइड होता है उससे हम लोग L/3 डिस्टेंस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, और दूसरे तरफ से मतलब उसके एज से क्या होता है, 2/3 L डिस्टेंस में होता है। तो X1 का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा, तो X1 का वैल्यू आप लोग 4/7 XU लिख देना, और X2 का वैल्यू 3/7 XU लिख देना, ठीक है। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों को ऐसा बनाने में भी कोई बहुत समय नहीं लगने वाला है, ठीक है। आगे बढ़े क्या, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो स्टेप 1 में ही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया हूँ, कोई ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि स्टेप 1 में आप एक्चुअल डेप्थ ही कैलकुलेट करेंगे या क्रिटिकल डेप्थ, ठीक। वैसे आज टाइम हो गया है, पढ़ना है, लो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्टेप 1 को बस बता देता हूँ। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म करते हैं। कंप्रेसिव फोर्स क्या होता था, एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया होता था। एवरेज स्ट्रेस मैं अभी ऊपर में बताया, 0.36 FCK इनटू क्या करते थे, एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, XU इनटू बी हो जाएगा, वही यार, ये इसका एरिया निकालो ना, क्या हो जाएगा, बी इनटू XU, एरिया नहीं हो जाएगा। फिर से मैं बोला यार, स्ट्रेस डायग्राम या फिर स्ट्रेन डायग्राम का एरिया नहीं निकालते हैं हम लोग, बीम सेक्शन का एरिया निकालते हैं। तो XU इंटू बी हो गया, और लीवर आर्म अभी मैं ऊपर बताया, डी माइनस 0.42 XU, यहाँ पर देख लो डी माइनस 0.42 है, नहीं क्या क्या लिख देता हूँ मैं, अभी बोलता कुछ हूँ लिखता कुछ हूँ, 0.42 XU, ठीक है, आ गया होगा समझ में, डी माइनस 0.42 XU क्यों हुआ, तो ये आपका लीवर आर्म हो जाएगा, कितना कठिन था बताओ। उसके बाद फिर हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन जोन में निकालते हैं, टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म करते हैं, तो एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया इनटू लीवर आर्म, एवरेज स्ट्रेस 0.875 हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, 0.875 मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। वो क्या हो जाएगा आपका,
स्टील का स्ट्रेस हो जाएगा। इसमें कोई झंझट ही नहीं है कि मॉडुलर रेशोस मल्टीप्लाई करो, वो सब कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो AST एरिया हो जाएगा, उसके बाद फिर D-0.42x। लीवर आर्म इसके लिए भी वही सेम होगा, कितना कठिन था बताओ। अच्छा यहाँ पर ये बढ़िया से स्टार में मैं बता दिया हूँ कि इन केस ऑफ बैलेंस सेक्शन या फिर ओवर रेनफो सेक्शन XU XU लिमिट हो जाता है, ठीक है ना। मतलब XU की जगह में जैसे कि यार WSM से आप कंपेयर करो, WSM में हम लोग बैलेंस सेक्शन में एक्स ए इक्वल टू XC लिखते थे बैलेंस सेक्शन के केस में, लेकिन ओवर रेनफो सेक्शन में नहीं लिखते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि चाहे बैलेंस सेक्शन हो चाहे ओवर रेनफो सेक्शन हो, दोनों ही केस में जो XU है मतलब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, उसको हम लोग क्रिटिकल डेप्थ या फिर लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लिखते हैं, मतलब XU लिमिट हो जाता है। ये एक अंतर है। उसके बाद फिर दूसरा केस में ये बता रहा है कि ओवर रेनफो सेक्शन के केस में आपका MU को MU लिमिट लिखते हैं, मतलब जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU जो होता है उसको हम लोग मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिखते हैं। वो ये चीज भी बता रहा है कि इस केस में ओवर रेनफो सेक्शन में ये लिमिट लिमिट स्टेट मेथड का कुछ डिफरेंस है जो कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड के कंपेयर में। ओके आगे समझ में, ठीक है। ये छोटा मोटा चीज बस चेंजेस होगा, बाकी सब वही रहता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, जितना भी मैं पढ़ा है उसको अच्छे से समझो, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हो, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।